मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बैच क्रिलिंग के बारे में बताएंगे और बैच क्रिलिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरत पड़ता है, हर डिपार्टमेंट का कैसा कैसा सिस्टम है बैच क्रिलिंग का, इसके बारे में बताएंगे। उसका बेनिफिट क्या होता है, मतलब बैच क्रिलिंग करने से हमको फ़ायदा क्या है, और उसके बारे में भी बताएंगे। और वो बैच क्रिलिंग के लिए देखिए, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव्स देखिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिस्ट्रीब्यूट इक्वल वर्कलोड। डिस्ट्रीब्यूट इक्वल वर्कलोड मतलब क्या होता है? अगर अपन बैच क्रिलिंग बराबर रखेंगे तो जैसे मिल चलता है, तीन शिफ्ट में चलता है, समझ लो एग्जांपल आपकी एक 1200 स्पिंडल का मशीन है, ठीक है, 1200 स्पिंडल का मशीन है, तो उस पर जो माल लगेगा तीनों शिफ्ट का लोग बराबर लगाएंगे तब जाकर मशीन बराबर मेंटेन रहेगा। समझ लो कोई एक शिफ्ट में ज़्यादा माल खुल गया, एक शिफ्ट में कम माल खुला, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इक्वल नहीं रहा। उसे फिर कारीगर के मन पे डिस्प्यूट होता है, दोनों में झगड़ा होता है, कुल मिला के मिल सफ़र करता है। तो बैच क्रिलिंग होने से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वर्क, मतलब सबको इक्वली अपन को भाग कर दिया जाता है, काम का बंटवारा किया जाता है कि तुम इतना करना, सबको बराबर हिस्से में बांट देते हैं। तो वर्कलोड अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसमें डिसिप्लिन भी मेंटेन हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। फॉर ए बेटर गुड एंड हेल्दी वर्किंग, समझ लो इसमें मतलब आपने बैच क्रिलिंग कर दिया, हर जगह का बताऊंगा आपको, ड्राइंग का और यूरिलैप का, कुंबर का, आरएसपी में या सिंपलेस में, रिम फिर हर जगह का मैं बताऊंगा कैसे कैसे बैच क्रिलिंग करोगे आप, और उस हिसाब से आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और ये करने से क्या होता है, वर्किंग बढ़िया रहता है, हेल्दी वर्किंग रहता है, मतलब बढ़िया रहता है, मतलब वर्कलोड इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी आपको लगेगा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत खुश मिजाज में आप काम करते चले जाओगे बैच क्रिलिंग रहेगा तो। और फॉर ए गुड एफिशिएंसी कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल समझ लो इसमें अपना एक यूनिलैप है, एग्जांपल बोल रहा हूँ, यूनिलैप पे आपकी 24 स्लाइवर चलता है, ठीक है, 24 स्लाइवर चल रहा है, समझ लो आपने बैच क्रिलिंग किया तो उसमें जैसे इधर साइड में जैसे 12 डिब्बा रहा, इधर साइड में 12 डिब्बा रहा, 12 डिब्बा रहा, ये 12 कैन, ये भी 12 कैन रहा, तो क्या करोगी, एक बार ये 12 कैन आगे पूरा खींच के लगा दोगी एक साथ, फिर पीसिंग कर दोगे, पीसिंग करके लैब लगा के चालू कर दोगे, फिर बाद में फिर ये आधा डिब्बा जब हो जाएगा ना, आधा डिब्बा खाली हो गया 12 डिब्बा का, ये 12 डिब्बा का फिर फुल डिब्बा लगाने का, और इसको भी खींच के ले लेना और पूरा स्पूल के पास लेके इसको बैच क्रिलिंग कर देना। तो मतलब ये होगा, पहले एक खुलेगा बाद में एक खुलेगा, एक साथ आपकी 24 डिब्बा नहीं खुलेगा, और बीच बीच में जैसे खुलता है ना 24 डिब्बा बीच बीच में खुला, तो बीच में कारीगर पीसिंग मार दिया, बेड पीसिंग मार देगा, वो कभी उलझ जाएगा लैब के अंदर, मतलब तिरछा आड़ा हो जाएगा, रैंडमल हो जाएगा। ये सब बीमारी दूर करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, 24 तार का है तो 12 डिब्बा पहले लगाने का, फिर आगे तक ले लेना मटेरियल खींच के, फिर आधी डिब्बा हो जाएगा, फिर दूसरा 12 डिब्बा लगाना, तब ये यूनिलैप में ऐसे ही अपना बैच क्रिलिंग होता है। इसलिए आप अगर हापाजेड लगाओगे 24 डिब्बा माल एक साथ मतलब अलग अलग टाइम में खुलता रहेगा, बार बार बंद होगा, आपको मालूम होगा मेरा आगे यूनिलैप का वीडियो देखना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70-75% एफिशिएंसी आता है, वो बैच क्रिलिंग करोगे आपकी 80% तक भी आ जाएगा, बहुत बढ़िया वर्किंग रहता है उसमें, पर गुड एफिशिएंसी। अगर बैच क्रिलिंग आपको मैंने यूनिलैप के लिए समझा, लेकिन हर जगह इफेक्टिव भी, अगर रिंग में करोगे रिंग में भी अच्छा एफिशिएंसी आएगा, सिंपलेस में भी आएगा, हर जगह आएगा।
तो फॉर ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो उसमें आपको पता है बीच बीच में अपने जोड़ नहीं लगा के एक साथ 12 तार खींच लिए, तो उसमें बार बार पीसिंग नहीं करना पड़ा, बार बार बैड पीसिंग का शिकायत नहीं आएगा, क्वालिटी तो वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। खूब मिनिमाइज अननेसेसरी पीसिंग, यही बताया आपको। अब फालतू की पीसिंग जैसे सिंपलेस में बैच क्लीनिंग नहीं करेगा, जहाँ डिब्बा खुल गया वहाँ डिब्बा लगा दिया, और आधा आधा डिब्बा माल पलटी करके कहीं लगा दिया, ये कर दिया, ये सब झमेला से दूर रहने के लिए बैच क्लीनिंग रहेगा। बैच क्लीनिंग रहेगा तो अननेसेसरी पीसिंग मतलब फालतू की पीसिंग लगानी नहीं पड़ेगी। प्रोडक्टिविटी विथ क्वालिटी, तो इसका अपना मेन मकसद क्या होता है, प्रोडक्टिविटी भी लेना है, क्वालिटी भी लेना है, मतलब प्रोडक्शन इसमें बढ़ेगा विथ क्वालिटी, तब जाके अपना बैच क्लीनिंग का अपन सक्सेस हुआ करके बोलेंगे। एरिया कहाँ पे देखो, ड्रॉप फ्रेम, यूनिलैप, कोम्बर, आरएसपी, रिंग फ्रेम, टीएफओ, ये एरिया में आप बैच क्लीनिंग कर सकते हो। अभी हम ये पूरा आपको मतलब ऑब्जेक्टिव्स बता दिया, फायदा बता दिया, हम एक एक चीज़ अभी चलेंगे बैच क्लीनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ड्रॉप फ्रेम में कैसे बैच क्लीनिंग होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये ड्रॉप फ्रेम होता है ब्रेकर ड्रॉप फ्रेम, उसमें कैसे कैसे करना है, जैसे कार्डिंग का डिब्बा निकलता है, कार्डिंग का डिब्बा का अपन लेंथ फिक्स कर दिया, समझ लो इसका कार्डिंग का रफिंग 140.140, कोई कोई रफिंग भारी भी रखता है, इससे हल्का भी रखता है, वो बात अलग है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। कार्डिंग का रफिंग 0.140 है और उसका ग्राम पर मीटर आ गया 4.21, अपना वही बेसिक फार्मूला वाला वीडियो में जाना, उसमें आता है 0.59 डिवाइड बाई रफिंग 0.140, ये आ जाएगा आपकी 4.21 ग्राम पर मीटर। अपना बेसिक फार्मूला वाला वीडियो जरूर देखना, मेरा बहुत सारे वीडियो का उसमें रिलेटेड है कैलकुलेशन सब। तो ये 4.21 ग्राम हो गया, और स्लाइबर लेंथ कार्डिंग का डिब्बे के अंदर जो स्लाइबर का लेंथ रहता है, समझ लो 10,000 मीटर है, मतलब 10,000 मीटर में अपना डिब्बा फुल हो जाएगा। तो 10,000 मीटर अगर हुआ और 4.21 ग्राम पर मीटर अगर अपन रैपिंग निकालते, तो एक डिब्बा के अंदर कैन के अंदर कितना लेंथ केजी का माल आएगा, देखो 42.14 केजी का, 42 केजी का माल इसमें आ जाएगा। वो 42 केजी का जो माल आ जाएगा तो अपना डिलीवरी कैन रैपिंग सम्भल अपन ब्रेकर में 130 का रखे, मतलब कार्डिंग का डिब्बा से जो ब्रेकर का डिब्बा बनेगा 0.130 रैपिंग रखे, उसका ग्राम पर मीटर अपन निकाल देना 4.53, यही वाला फार्मूला में निकाल देना 4.53 आ जाएगा। और कैन लेंथ अपन पकड़े देखो 3080 पकड़े, अपन ये कैसे पकड़े आपको बताऊंगा, ताकि अपन क्या बेनिफिट है, 3080 क्यों लिए, 3000 क्यों नहीं लिए, 3100 क्यों नहीं लिए, इसका आपको मैं क्लारीफाई करूँगा। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ डबलिंग 6, मतलब अपना ब्रेकर का ड्राइंग में कार्डिंग का डिब्बा 6 डिब्बा पीछे लगेगा, तो 42.14 में अपन 6 मल्टीप्लाई कर दिए तो 252.84 केजी हो गया। वो 6 को 6 डिब्बा एक साथ आपको लगाने का, पीसिंग करने का 6 को 6 डिब्बा, उसमें देखो माइनस फैन वेस्ट फ्लाई, जैसे पीसिंग करोगी या कोई पंखा वेस्ट जाएगा, ड्राफ्टिंग जोन में फ्लाई उड़ेगा, इनविजिबल वाला उड़ेगा, तो 0.5% घटा दो, ये जो वेट है 251.84 उसकी जगह 0.5 आप माइनस कर दो, 251.57 ग्राम आपकी आया, ठीक है। तो ये जो आया इतना केजी का 6 डिब्बा का अपना नेट मटेरियल है। अपन क्या क्या देखो, इट मींस टोटल ब्रेकर कैंस इन 6 कार्ड कैंस 18 कैन हम निकालना, 18 कैन कैसे निकालना, इसका देखो 3080 अपन ट्रायल एंड मेरर एरर मेथड में निकाले, 3080 अगर लेंथ रहेगा 4.53 ग्राम पर मीटर रहेगा, मीटर रहेगा तो 13 किलो 952 ग्राम हो गया ब्रेकर कैन का वजन, एक कैन का नेट वेट, तो 13.952 इसमें इसको डिवाइड करने का तो 18 आता है। तो आपको अगर समझ लो लंबाई कम रखना है तो ये जैसे डिविजिबल हो जाएगा उसी हिसाब से करना पड़ेगा,
मतलब 3080 नहीं रख के आपने 2700 रखा, तो 2700 में इसको मल्टीप्लाई करने का, फिर इसमें इसको भाग देने का, देखना राउंड फिगर आए, मतलब एक बैच खत्म हो जाएगा 18 डिब्बा कंप्लीट निकले, 19 डिब्बा निकले, 20 डिब्बा, उसी हिसाब से आपको लेंथ सेट करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा खेल इसका ही है। इसको आप 3200-3400 कर सकते हो या 2700-2800 भी कर लो, तो ग्राम पर मीटर के उसी हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो जाके आपकी मैचिंग बैठेगा। समझ लो आपने 6 डिब्बा का ब्याज लगा और 17 डिब्बा फूल निकल गया, 18 डिब्बा इतना चला, तो बेकार हो गया। तो इसीलिए इसका कैलकुलेशन करके करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, अपना यूनिलैप कोम्बर में कैसे बेस क्लीन करते हैं। यूनिलैप पे समझ लो अपने 20 एंड का स्लाइबर चलता है, 20 चले, 22 चले, 24 चले, आपके ग्राम पर मीटर कितना लैप का रखना उस हिसाब से पीछे का ब्रेकर का रैपिंग के हिसाब से आप सेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपकी 20 तार चल रहा है, 20 डिब्बा आपके यूनिलैप पे लगा, तो 20 डिब्बा लगाया जब क्या करोगे, 10 कैन जैसे ही 10 फुल कैन लगा देना एक साइड में, और वो पहले तो ऐसे 20 लैप पे 20 कैन में चालू कर देना, जैसे ही थोड़ी देर चलेगा एक साइड पे 10 फुल कैन लगा देना काट के, जितना इतना बचा इतना बचा हटा देना, फुल डिब्बा लगा देना, इसको पूरा आगे तक मटेरियल खींच के लेना स्पूल तक पीसिंग करके, फिर चालू करना। फिर जैसे ही ये आपकी मतलब आधी डिब्बा में 10 फुल कैन लगा दिया, तो दूसरी साइड क्या करोगे, दूसरी साइड में थोड़ा गैप में जैसे और ये आधा डिब्बा खाली हो जाएगा, फिर एक बार इसको काट के और 10 डिब्बा फुल डिब्बा लगा देना। मतलब ये अपना मकसद ये है, मतलब दोनों जो साइड का जो 20 कैन एक साथ ना खुले, अलग अलग टाइम में खुले, और बिल्कुल उसमें 10 कैन एक ही साथ खुले, ताकि अपना स्लाइबर जब लगाएंगे 10 डिब्बा, इसको ऐसे क्रिल में पीसिंग करके लेके पूरा रैप रोलर तक लेके और इसको स्पूल को डफिंग करा देंगे, वो जो जोड़ आएगा ना 10 स्लाइबर का, इसको डफिंग करा देंगे, ताकि उसमें जो स्लाइबर रहेगा पूरा एक्सिस में रहेगा, लैप में कुंबिंग में दिक्कत नहीं जाएगा। एक तो इसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, एक साथ मतलब कहीं 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 खुलना वो बीमारी नहीं रहेगा, 10 डिब्बा एक साथ खुलेगा, एक साथ लगा लेगा, थोड़ी देर के बाद दूसरा 10 डिब्बा खुलेगा, दूसरा 10 डिब्बा लगा लेगा, तो इसी हिसाब से मेंटेन रखोगे, यूनिलैप का एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा, लैप क्वालिटी अच्छा रहेगा, तो कोई भी पीसिंग एक भी नहीं रहेगा, पीसिंग सब निकल जाएगा, मतलब जॉइंट में निकल जाएगा जब 10 डिब्बा लगाओगे। ऐसे ही कोम्बर में, कोम्बर में क्या करोगे, जैसे 8 लैप लगता है, 8 लैप एक ही साथ नहीं लगाना, 4 लैप फुल लगा और 4 खुलने वाला होने दो, आधा लैप लगाओ, तो ये दोनों का डिसबैलेंसिंग कर देना, मतलब एक साथ 8 डिब्बा जैसे 8 स्पूल जैसे नहीं खुलेगा, 8 लैप अगर एक साथ खुलेगा, एक साथ चालू करने में बड़ा तकलीफ जाता है, 4 डिब्बा चालू करने में चुटकी से चालू हो जाता है, इसमें डाउन टाइम कम रहेगा, वो 4 स्पूल जो लगा के चालू करोगे लैप, उसका जोड़ भी आप आगे तक लेके डफिंग करा देना, तो उसका जोड़ भी नहीं रहेगा, जोड़ आराम से निकल जाएगा, तो इसमें एक तो पीसिंग नहीं लगाना पड़ा, और वो जो कोम्बर का स्लाइबर क्वालिटी अच्छा रहा, और यूनिफॉर्म रहेगा, स्लाइबर अच्छा क्वालिटी का रहेगा, और कारीगर का ऊपर लोड नहीं रहेगा, कारीगर उस हिसाब से चलाते रहेगा बैलेंसिंग करके, एक साथ कहीं 8 लैप नहीं खुलेगा, ना इसको हड़बड़ा के काम करना पड़ा, तो ये सब मेंटेन करने से कुल मिला के आपको डिपार्टमेंट में फ़ायदा होगा। सिंपलेक्स में देखिए, सिंपलेक्स में समझ लो आपकी 120 स्पिंडल का सिंपलेक्स है, तो उसमें क्या होता है, अक्सर ये देखा जाता है माल नहीं मिलने पर काट काट के फैला देना, और वो कोई चीटिंग करके चलाता है, इतना इतना माल डाल दिया, बैच नहीं लगाना पड़ा, ये सब बीमारी रहता है, इसीलिए 120 कैन का जो मतलब डिब्बा लगता है एक सिंपलेक्स में, ये हर शिफ्ट में 40 कैन का आप मतलब डिवाइड कर देना, मतलब ए शिफ्ट में समझ लो 1 से 40 तक कैन का स्पिंडल का डिब्बा लगना है फुल किसी भी हालत में, तो 41 से 80 तक ये समझ लो ए शिफ्ट, ये बी शिफ्ट, ये 81 से 120 सी शिफ्ट, वहाँ मशीन में पूरा स्टिकर लगा दीजिए कि ए स्पिंडल से ए स्पिंडल तक ये ए शिफ्ट में माल लगाएगा, ए स्पिंडल से ए स्पिंडल बी शिफ्ट में, ए से ए तक सी शिफ्ट,
ये तब जाके यूनिफॉर्मली लगता रहेगा। वो ब्याज बीच बीच में जो बीच बीच में अगर स्लाइबर खुलता है, माल खुल गया तो फिर दिक्कत जाता है, एफिशिएंसी का बहुत दिक्कत जाता है। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। एक दूसरा कारीगर को पकड़ेंगे, भाई तुमने माल नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, तो ये सब मतलब समाप्त हो जाएगा, झगड़ा वगैरह समाप्त हो जाएगा, वर्किंग बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समझ लो रिम फ्रेम में, एग्जांपल 1200 स्पिंडल का रिम फ्रेम है, उसमें एक तरीका से चालू करना, जैसे अपने रिम फ्रेम एक बार फुल क्रिल कर दिया, पूरा माल लगा दिया, उसके बाद क्या करो कि 120 स्पिंडल काट के फुल बॉबिन लगाना, फिर एक साइड में लगाना, समझ लो अपने मतलब राइट साइड में लगा पहला 120, तो जैसे डॉब गिर जाएगा, ऐसे साइड रहता है ना, ये समझ लो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। आपने क्या किया, राइट साइड में 120 स्पिंडल काट के आपने फुल बॉबिन लगा दिया, तो उसके बाद जैसे पहला डब गिरेगा ना, फिर इधर 120 स्पिंडल काट के फुल डब लगा देना, इधर भी 120 स्पिंडल काट के लगा दिया, ऐसे फिर थर्ड डब में इधर 120 स्पिंडल काट के लगा दिया, और फोर्थ डब पे इधर 120। इस पर क्या होगा, इस तरह जब आप 1200 स्पिंडल तक कवर हो जाएगा ना, पूरा 1200 स्पिंडल तक, जब उसके बाद ये मशीन खुलने लगेगा, उसी सीक्वेंस में खुलेगा, मतलब पहला एक बार खुलेगा राइट साइड में 120 बॉबिन खुलेगा, फिर अगला डब में इधर 120 खुलेगा, फिर अगला डब में इधर 120 खुलेगा, उसी सीक्वेंस में खुलता रहेगा, आपको तकलीफ नहीं जाएगा, और एंड डाउन वगैरह इतना कम रहेगा, मतलब खाते का वर्किंग इतना बढ़िया रहेगा, कारीगर आराम से 4-5 पल्ला चला लेगा। तो उसको मेंटेन करने से आपकी आइडल स्पिंडल कम रहेगा, बीच बीच में आइडल चलना कम हो जाएगा, और एंड डाउन कम हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, डफर यू 2 मिनट में गड्डी मारकर निकल जाएगा, फटाफट डफिंग, मतलब बीच में माल खुलता है ना, माल ढूंढ के लगा चालू करो, डफर के ऊपर लोड बढ़ता है, तो डफर के लिए भी लोड कम हो जाएगा, कुल मिला के मिल में फ़ायदा ही होगा। मतलब ब्याज क्रिलिंग जो होता है मिल का फ़ायदा के लिए होता है। उसके बाद टी ओ में देखिए कैसे करिए, फॉर एग्जांपल 2.7 केजी का आपको पैकेजिंग लेना है, तो आप क्या करोगे, 900 ग्राम का चीज़ बनाना, तीन चीज़ अब बना लेना 900 ग्राम का, तो एक ही साथ पूरा स्पिंडल चालू करना, चाहे पूरा टीम लगा दो, एक ही साथ चालू करके छोड़ देने का, और तीन चीज़ जब हो जाएगा 2.7 केजी का हो जाएगा, एक ही साथ ड्रॉप आ जाएगा। ट्यूबो में बहुत पावर खींचता है, अगर उसमें समझ लो आपकी फाइनल हो रहा है और 10-20 स्पिंडल रह गया, वो चलता रहेगा 2-4 घंटा, बहुत लॉसेस होता है, इसीलिए बराबर वजन करके 900 ग्राम का निकाल लेगा, तीन चीज़ डालने का, 2.7 केजी हो जाना, समझ लो 3 किलो का है तो 1 केजी का स्पूल बनाना। तो आपको ये देखना है कैसे एक साथ माल लगे, एक साथ खुले, तो उसमें हर तरह का फ़ायदा है। और ब्याज क्रिलिंग का टॉपिक आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।